आज गर्मी के बाद संध्या के 5:30 बजे के लगभग भागलपुर के कहनवा प्रखंड के बंशीपुर ग्राम में जोरदार बारिश आई। आप देख सकते हैं वीडियो में कि इतना ज़ोरदार बारिश आई है कि एक जो कि गर्मी था, गुमसुमा था मौसम, उसमें गिरावट तापमान आया और इतना आंधी के साथ बारिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति बाहर नज़र नहीं आ रहा है, इतना ज़ोर से बारिश। आज लगभग 5:30 बजे भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के बंशीपुर में ये नज़ारा है, जहाँ पे आज गुरुवार का दिन और हटिया का समय था। पूरे लगभग 1000 आदमी इसे फील से अब देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे सब्जी नज़र आ रहा है और बाइक और साइकिल, लेकिन उसको लेने वाला और नहीं बेचने वाला नज़र आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्योंकि इतना ज़ोरदार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बारिश के साथ साथ आंधी भी आई है। तो इस तरह से गुमसुमा दिन था, इतना गर्मी था दिन में कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था और संध्या के 5 बजे ज़ोरदार बारिश आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे हटिया लगा था, अब धीरे धीरे बारिश समाप्त हुई है। तो लेने वाला और जो कि देखने वाला था, दोनों अपने अपने सामान को देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राउंड जो है जहाँ पे हटिया लगा था, वहाँ पे लगभग पानी से पूरा भर गया है और जो भी था सब्जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा सब्जी हेल रहा है और लोग जो लेने के लिए ख़रीदने के लिए आए थे उसे मुफ्त में अभी यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इतना बारिश हुआ, इतना पानी हुआ, सारा सब्जी इधर उधर बह रहा है, लोग इसे लूट रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा सब्जी जितना भी था, जितने भी लोगों का यहाँ पर आया था, इसे प्राकृतिक आपदा के सामने बिल्कुल आप यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा फील्ड पे हिल रहा है और लोग अपना अपना जो कि लेने के लिए आए थे, ख़रीदने के लिए आए थे, वो अब उसके बदले में यहाँ पे चुन रहा है और लूट रहा है लोगों को, फ्री में सब्जी आज मिल रहा है। तो प्राकृतिक आपदा के कारण, क्योंकि दिन भर के गर्मी के कारण आदमी परेशान थे और यह बारिश होना बहुत ही आवश्यक था और बारिश भी हुई इतनी ज़ोरदार कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हटिया लगा था, हटिया के सारे सामान पानी में बह रहा है और ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही इस पानी में बह रहे सामानों को एक एकत्र कर रहे हैं और चुन रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी में हेर रहा है, बह रहा है और लेने वाले और जिसका सामान है खुद वो भी अपने सामान को अपने बोरिया में एक जगह चुन चुन के ला रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बारिश के बाद का समय है, इतना ज़ोरदार बारिश हुआ और बहुत सारी घटना हुई है, मैं आपको दिखलाऊंगा कौन कौन सी यहाँ पे घटना घटी इस बारिश के कारण, जिसको आप कह सकते हैं ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसके किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है इसके सामने, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो आज वही यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जितना भी सब्जी था, परवल हो, करेला, झींगा, कद्दू, खीरा, भिंडी, मिर्ची और यहाँ तक कि मनिहारी का जो सामान था यहाँ वो भी यहाँ पे पानी में बह रहा है। और अभी बारिश समाप्त हुई तो सभी सामान वाले और ख़रीदने वाले दोनों पहुँचे तो देख रहा है कि यहाँ पे सारा किसका कौन सा है सब्जी पता ही नहीं चलता, क्योंकि बह चुका है और आपस में सब मिल घुल चुका है, सभी अपना अपना समेट रहा है और लोग इसको एक तरह से लूट भी रहा है और जल्दी जल्दी बोरा में यहाँ पे झोला में करके अपने घर की ओर परेशान कर रहा है। तो ये प्राकृतिक घटनाओं के कारण आज बिहार राज्य के भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड में यह बारिश हुई और ज़ोरदार बारिश, लगभग 1 घंटा बारिश होती रही। 1 घंटा के बाद जो भी यहाँ पे बाज़ार मार्केट जो लगा था, मार्केट का सारा सामान पानी में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल रहा है और ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों मिलकर इसको छांक रहे हैं, कौन सा किसका यहाँ पे है सामान ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपस में सारा सामान मिल चुका है लेकिन फिर भी लोग अपने अपने सामानों को एकत्र कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, इधर उधर जो फल चुका पूरा ग्राउंड जहाँ पर मार्केट लगता था पूरा ग्राउंड पर पानी यहाँ पर छा गया है, क्योंकि ज़ोरदार बारिश हुई थी, आंधी भी आई थी, आंधी में बहुत सारी दुर्घटना भी हुई और यहाँ भी उसी तरह से
एक नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बारिश है जिसको आप प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक घटना कह सकते हैं। इसके सामने किसी व्यक्ति का बस नहीं चल सकता, तो ये प्राकृतिक आपदा में आता है। एक अचानक सी बारिश आई क्योंकि पूरा यहाँ पे गर्मी थी दिन में, लगभग बारिश आने के आधा घंटा पहले लगभग 5 बजे भी पूरा यहाँ पे गर्मी था। आप अपने घर में भी नहीं रह सकते थे, इतनी गर्मी थी। लेकिन जैसे ही 5:30 बजे अचानक से बारिश आ गई और उसके साथ साथ आंधी भी आई है, तो आंधी में भी बहुत सारी दुर्घटना हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ पे जो देख सकते हैं कितनी ज़ोरदार यहाँ पे आंधी आई हुई है। पर जो है कितनी ज़ोर से यहाँ पे हिल रहे, अभी भी बारिश समाप्त भले ही हुई है लेकिन आंधी अभी भी यहाँ पे है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी सामान इधर उधर बिखर चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आदमी अब इधर उधर निकल रहे अपने सामानों को समेट रहे हैं। ये अभी आंधी भी आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। इस आंधी में और बारिश के कारण यहाँ पे देख सकते हैं शीशम का पेड़ था, ये बंसीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में यह घटना घटी, जहाँ पे शीशम की लंबी पेड़ थी और वो पेड़ गिर चुकी है और उसके साथ पोल था, पोल भी यहाँ पे गिर चुका है। और यहाँ तार आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आ चुका है, रोड पे तार आ चुका है और पोल भी यहाँ पे, वृक्ष भी बहुत ही मोटा शीशम का पेड़ था। आंधी इतना ज़ोर से थी और साथ में बारिश थी, दोनों के कारण यह घटना घटी। और पोल और पेड़ गिरने के कारण पोल को भी यहाँ पे आइए देख सकते हैं कि गिरा चुका है, पोल टूट के नीचे गिर चुका है, खेतों में आ चुका है आंधी में। यहाँ पे ये पोल आप देख सकते हैं गिर चुका, खेतों में पहुँच चुका है, रोड से खेत में पहुँच चुका है। आंधी इतना ज़ोरदार था कि पेड़ के साथ साथ पोल का भी यहाँ पे गिर चुका है और तार जो था वो बिल्कुल यहाँ पे टूट चुका है। और इस तरह से विद्युत बाधित लगभग 24 घंटा रहेगी कम से कम, अब अधिक से अधिक जितना भी रह सके, क्योंकि इस तरह की आंधी सिर्फ यहाँ पे ही नहीं और भी जगह हुआ है। तो ये भागलपुर के कलगा प्रखंड के बंसीपुर पंचायत के बंसीपुर ग्राम में वार्ड नंबर 9 की ये घटना है, जहाँ पे शीशम के पेड़ के साथ साथ यहाँ पे पोल भी गिर चुका है और तार जो था पोल में लगा वो भी यहाँ पे टूट चुका है, बिजली बाधित हो चुकी है। ये प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा के यह है। अचानक दिन भर की गर्मी के कारण आदमी यहाँ पे बहुत ही परेशान थे और अचानक 5:30 बजे के लगभग आंधी तूफान के साथ बारिश आई, जिसके कारण लोगों में तो राहत पाई गर्मी से, लेकिन एक ये बहुत सारी इसके साथ घटना भी हुई। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें।